ये संसार स्वप्नवत है, जो धनवान है वो सपने के राजा हैं, याद रखना। जो सब जो धनवान है वो भिखारी हैं, लेकिन स्वप्न में राजा बन गए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, डोंट ट्राई टू फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग माय डियर। ये स्वप्न ही है संसार, इसमें सपने में थोड़ी देर के लिए आप राजा बन गए हो, लेकिन जो भिखारी हैं, जो राजा हैं, जो अभी स्वप्न में गरीब हैं, जो दिख रहे हैं गरीब है भिखारी, टेंशन मत लेना, ये तो स्वप्न है। आंख खुलेगी तो फिर से तुम माला माल हो जाओगे। राजा राजा ही रहेगा, भिखारी भिखारी ही रहेगा। तो पहले तो ये समझ लो, ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है। रात्रि के सपने 10-5 मिनट चलते हैं, लेकिन ये संसार का सपना थोड़ा लंबा चलता है, 10-20 साल, 50 साल, 100 साल। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनत धोखा है, सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है, सब झूठ है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। यहां जो चल रहा है ये सब स्वप्न चल रहा है, स्वप्न ही है। इनमें जो होती है वो सब सपने की बातें हैं। एक बात ध्यान रखना, इनमें योगी जन जगते हैं, आप सब योगी हैं जो अपने आप को जगाकर भगवान के कथा पंडाल में बैठे हुए हो। यू आर ग्रेट, आप ग्रेट हो। और उनके बारे में सोचनीय विषय है जो कथा पंडालों से दूर रहते हैं, मंदिर से दूर रहते हैं, सेवा से दूर रहते हैं, वो सोए हुए हैं गहरी नींद। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कुछ कृपा राम की होती है, जिन पे कुछ कृपा राम की होती है। तो आप लोग जगे हुए हैं कि सोए हुए हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कौन कह रहा है? जगा वही है जिसने राम को जपा है, और वो सोया हुआ है जिसने राम को छोड़ दिया है। जिसने कृष्ण को नहीं जपा, जिसने कृष्ण को नहीं ध्याया, जिसने राम को नहीं जपा, वो सोया हुआ है, गहरी नींद सोया हुआ है। और वही सही माने में कंगाल है, सही माने में धनवान वो है जो दुनिया में कुछ भी होता रहे उस बात का असर उसके भजन पर नहीं पड़ता, वो भजन करता ही रहता है, वो कथा सुनता ही रहता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप सोए हुए नहीं हैं, आप जगे हुए हैं, तभी तो कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। जो सोए हुए हैं वो आ नहीं सकते, और जग गए हैं वही तो यहां बैठे हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रसंग और सुना देते हैं, फिर राम जी की कथा का कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर चलेंगे। सुना दे कि नहीं है? ये सूर्यवंश की कथा है। चंद्रवंश की कथा में एक और प्रसंग आता है, ययाति का चरित्र, राजा ययाति शुक्राचार्य जी के जमाई। आप थोड़े से ऐसे बैठो, लुढ़क के नहीं, थोड़ा ऐसे बैठो टाइट, रीढ़ की हड्डी पे वजन डालो अपनी पे डालो, और जो कुर्सी सोफों पे बैठे हैं वो पीछे खिसकाओ मत, उसे थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ी देर 5-7 मिनट बैठो ऐसे। हाँ, अब ध्यान से सुने। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगे नहीं जाते हैं, अपितु ये भोग हमें भोगते हैं। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, अपितु ये तृष्णा हमें जीर्ण बनाती है। चिंता इस बात की मत करो कि संसार में हमें सुख सुविधाएं मिली हैं कि नहीं मिली हैं। चिंता करनी है तो इस बात की चिंता करो कि मुझे गोविंद मिला है कि नहीं मिला है, मेरा जीवन सफलता की ओर जा रहा है कि नहीं। हमारे संतों ने कहा है, चिंता नहीं चिंतन की आवश्यकता है।
और जो व्यक्ति चिंता करता है वो चिता पे जाते हुए से टाइम नहीं लगता। हमारे ऋषियों ने कहा है चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है पर चिंता जीते जी खा जाती है, चिंता जीते जी खा जाती है। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं, चिंतन इस बात का कीजिए मैं कहां जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, व्हाई वी आर कमिंग हियर, हम लोग यहां आए क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है। जब ये बात समझ में आएगी, और ये बात घर में बैठे समझ में नहीं आएगी, टीवी देखने समझ में नहीं आएगी, फिल्म देखने समझ में नहीं आएगी, तो बोले ये बात सत्संग में ही समझ में आएगी। राजा ययाति का चरित्र आता है, राजा ययाति का चरित्र आता है। राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी से हुआ और एक राजकुमारी उनकी दासी बनकर गई, और ये तो ब्राह्मण की बेटी थी, पर साप ऐसा था कि इनको क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए, इसलिए उन्होंने किया, साप के वशीभूत होकर क्षत्रिय से विवाह किया। लेकिन एक क्षत्रिय जो राजकुमारी थी वो दासी बनकर गई, पर राजा का ध्यान उसकी तरफ भी गया। इच्छाएं तृप्त नहीं होती, हमारा तो हमारा है ही है, दूसरे का भी हम अपना बनाना चाहते, चाहे वो सुख सुविधाएं हो, साधन हो या व्हाटएवर। बताइए, हम अपने पति को छोड़ के किसी और से तो बात नहीं करते, हम अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से बात तो नहीं करते, हाँ या ना, हाँ या ना, मना करो, करते, यही तो तृष्णा है, यही तो इच्छा है, ये इच्छाएं कभी मरती नहीं। अब जब शुक्राचार्य जी की बेटी को ये पता चला कि मेरे पति उसको भी इतना प्रेम करते, तो गुस्सा आ गया उसे, वो छोड़ के चली गई, अपने पिता के यहां चली गई। और जब पिता के यहां चली गई तो पिताजी को जब ये घटना पता चली तो पिताजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने साफ दे दिया, जाओ तुम्हारा पति बुढ़ा हो जाएगा, किसी लायक ही नहीं रहेगा, जरा अवस्था उसे घेर लेगी। अब तो पति क्षमा मांगने लगा अपनी पत्नी से, देवी क्षमा करो, मेरी इच्छाएं भी पूरी नहीं हुई है, इतना जल्दी बुजुर्ग हो गया तो मेरा काम कैसे होगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, एक काम करवाओ कि अगर तुम्हारा ये पति, अगर तुम्हारे पुत्रों में से कोई इसको जवानी दे दे तो ये भोग सकता। तो देखिए भोग विलासों में ये जीव कितना लिप्त है, अपने छोटे बेटे की जवानी लेकर भोगों को भोगा है राजा ययाति ने, अपने सबसे छोटे बेटे की जवानी को लेकर भोगा है। और तब भी तृप्त नहीं हुआ, आहार निश लगा ही रहता है इसी में। एक दिन वन में कहीं से आ रहे थे तो उसने पशुओं को वैसे ही देखा कि एक पुरुष जो मादा, नर और मादा जो है वैसे ही आनंद में मगन है जैसे स्त्री पुरुष होते हैं। अब वो सोच रहा है मुझ में और इनमें अंतर क्या है, पशुओं को देख के वे सोच रहा है इसमें और मुझ में अंतर क्या है, हम लोग तो सेम है ऐसे ही, जैसे मादा अपने स्त्री के लिए, नर और मादा, नर जो है वो मादा की तरफ आकर्षित हो रहा है, मैं भी अपनी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता हूं, नथिंग इज डिफरेंस, एवरीथिंग इज द सेम, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, नथिंग। उसको वैराग्य हुआ वहां से, हमें भी वैराग्य होता है कभी कभी, जब कोई बेटा डांट दे, बहू फटकार दे, फिर वैराग्य होता, हो हमारा कोई नहीं है, हे भगवान जी हमको उठा ले, हम जाएंगे वृंदावन बस जाएंगा, हम तुम्हारे यहां नहीं रहने वाले, हमें तो भगवान ने दे रखा, कहीं नहीं दो रोटी कहीं भी मांग के खा लेंगे, अम्मा अम्मा खाए ले तेन रोटी मांग के, घर में तो थारी में ना खाई जा रही, बाहर मांग के खावेगी तू। जो 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 सिर्फ शब्द बोलते वो वैराग्य नहीं है, वो क्षणिक वैराग्य है, वो मर्कट वैराग्य है,
वैराग्य धारण करने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, करके दिखाता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की पत्नी ने कहा था, जैसो हेत हराम को तैसो हरि में होए, चले जाओ बैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई। जैसा इस अस्थि चर्म से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जिसके चक्कर में, जिसके मोह में तुम्हें सांप नहीं दिखा, जिसके मोह में तुम्हें नदी में बहता हुआ सब नहीं दिखा, मुझसे मिलने के लिए इतनी इच्छा थी तुम्हारे मन में कि तुम अपना जीवन भी खतरे में नहीं दिखा। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना आधा भी प्रेम राम से किया होता तो आज तुम, तुम्हारा काम हो जाता है, तुम्हारा कल्याण हो जाता है। किसने कहा साहब, जोर से बोलना है जी, रत्नावली ने? अरे रिलेशन बताओ ना। तुलसीदास जी की वो दिन है कि ये दिन है तुलसीदास जी मुड़कर नहीं लौटे। हम लोग तो रोज कथा सुनते हैं, रोज मुंडी हिलाते, हाँ जी हो, कुछ नहीं है, कौन किसी के संग गया है, सब नहीं रह जाएगा। और यहां से सबसे पहले वो ही खड़ी होगी जो सबसे हामी भर रही थी ज्यादा। का हो गया? अरे पंडित जी 6 बजा दिए, घर जाना है, ये आने वाले होंगे, चाय बना। अरे अभी तो करी थी, कोई नहीं है, अब तू चाय पिलाएगी, तू भी ग्रीन टी पी ले, कितना चाव है, अभी कह रही तो कोई नहीं है। और देखो चली रामकली। जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना पड़े। तो मेरे प्यारे, रत्नावली अपनी पत्नी के कहने से घर छोड़ दिया। भाई कृपा जब राम की तो बन गयो तुलसी, तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास। भाई कृपा जब राम की, कृपा हुई जब राम की, तो वो तो अपनी पत्नी के कहने से बाबा हो गए, संत हो गए, नाम हो गया तुलसीदास। हमारे गुरुजी रोज समझाते, हमारी समझ में आज तक नहीं आता। इस तरीके से पशुओं से वैराग्य धारण किया किसने? ये यात्री ने, कल्याण कर लिया। तो आइए, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सुरयो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर के चरित्रों को जरा विस्तार पूर्वक कह के सुनाइए। चलिए हम और आप सभी कृष्ण प्राकट्य महोत्सव में प्रवेश करते हैं। थोड़े से तैयार हैं, हाथ जोड़िए और भगवान को प्रणाम कीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक बार जोर से बोले, और जोर से बोले, और उग्रसेन जी मथुरा के राजा हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, बड़े धर्मात्मा राजा है। राजा वही है जो धर्म परायण हो, तथा कथित लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष। क्या कहते हैं? देश धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। 85 कंट्री है क्रिश्चियनों की और 55 कंट्री है मुसलमान भाइयों की। सिर्फ हिंदुस्तान को ही धर्म निरपेक्ष रखोगे? और आई एम सॉरी टू से, वी डोंट हैव राइट टू से दिस। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भारत धर्मयुक्त था, धर्मयुक्त है और धर्मयुक्त ही रहेगा। कैसे आप इसे धर्मनिरपेक्ष कर दोगे? यहां की तो मुद्रा पे लिखा है सत्यमेव जयते। ये हमारे धर्म को साबित करता है। करता है कि नहीं बताइए? क्या लिखा है आपके किसी भी नोट पे? क्या लिखा है बोलो? क्या होता है इसका मीनिंग? यतो धर्म ततो जय, यही लिखा है, सत्यमेव जयते। तो आपकी तो मुद्रा ही ये कह रही है कि ये धर्म पक्ष देश है,
हाँ, ये नहीं कहते कि इस देश में कोई रह नहीं सकता, सभी रहें, पर यह देश सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का ही रहेगा। हम लोगों का स्वभाव नहीं है मार काट करना, हम लोगों का स्वभाव नहीं है किसी की जमीन को कब्जाना, लेकिन हम लोगों का यह भी स्वभाव नहीं है कि अपनी मां को रक्षा न कर पाए। ये भारत हमारी मां है, हम इसकी रक्षा करने की हिम्मत रखते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो धर्म निरपेक्ष ये बात कहना गलत है। हमारे यहां तो शुरू से राजा महाराजा जो हुए हैं वो धर्मयुक्त राजा हुए हैं। जहां से हुआ है ये सनातन धर्म, जब से पृथ्वी बनी है तब से सनातनी है। सूर्य चंद्र ये सब हमारे धर्म के चिन्ह हैं। पृथ्वी को हम मां कहते हैं, गऊ को हम मां कहते हैं। एक कथा सुना रहे थे हम, एक बार अकबर और बीरबल कहीं से जा रहे थे, तो बीरबल ने देखा सामने तुलसी जी का वृक्ष है, तो बीरबल ने उसको प्रणाम किया और प्रणाम करके परिक्रमा लगाई। अकबर ने ये क्या है, बोलिए हमारी तुलसी माता है। तुलसी माँ, ये भी तुम्हारी माँ? तुम लोग हिंदुओं में माँ बाप बहुत होते हैं, ये तुम्हारी माँ? बोले हाँ जी मेरी माँ। गुस्सा आ गया अकबर को, उसने तुलसी का वृक्ष उठाया, उखाड़ा और फेंक दिया। बीरबल का अंदर से क्या हुआ होगा, बोले ठीक है। अब वो एक पेड़ होता है छोटा सा, जिसको छूने से खुजली शुरू हो जाती है, क्या नाम है उसका, जो भी हो मुझे नाम याद नहीं, बट आप समझ लेना, उससे छू लो तो खुजली हो जाती है। बीरबल ने उसकी भी तुलसी जी की एक परिक्रमा उसकी करी, उसने चार और प्रणाम किया लेट के। अकबर बोला अब ये क्या है, बोले ये मेरे पिताजी हैं। बोले तेरा भला हो, वो तेरी मां और ये तेरा पिता? बोले हाँ ये मेरे पिताजी हैं। उसको फिर गुस्सा आया और उसने उसको उखाड़ा और फेंक दिया। अब उसको उखाड़ना मतलब टच किया, और टच किया तो समझ गए ना क्या हुआ। अब वो परेशान, ये क्या है। बोले कि आपने हमारी माताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किया ना, इसलिए पिताजी गुस्सा हो गए, पिताजी बदला ले रहे हैं, पिताजी छोड़ेंगे नहीं आपको, अब रहिए। अरे बीरबल अपने पिताजी से कहे भाई मुझे माफ करे, भाई मैं माफी चाहता हूं। अरे बीरबल के पिताजी माफ कर, ऐसे नहीं, मां का अपराध किया है तो मां से ही क्षमा मांगना। बोले अब कहाँ चले तुम्हारी माँ के पास, तो माँ सामने गाय खड़ी थी। बोले नहीं नहीं वो माँ तो कुछ नहीं, ये माँ तुम्हें कहीं क्षमा करेंगी। बोले क्या करें? बोले इस माँ से प्रार्थना करो, हे गौ माता हमें अपना गोबर प्रदान करो। फिर बोले गोबर लो, गाय का गोबर लिया और रख भर के पूरा मल दिया और शांति मिल गई उसको, उसकी खुजली मिट गई। अरे बीरबल तुम्हारी ये माता तो बड़ा लाभदायक है। बोले हाँ ये लाभदायक है। अब वो बोला बीरबल पर तुम्हारी माँ के इस प्रसाद को अगर हम लेके महलों में जाएंगे तो लोग हम पैसेंगे, ये क्या कर लिया अकबर ने? बोले नहीं नहीं ऐसी कृपा करेंगे, हमारी एक और माता है। बोले क्या? बोले यमुना माता। क्या करें? बोले इसमें स्नान करो, गौ हमारी माँ है, तुलसी हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, जमुना हमारी माँ है। क्यों कहते हैं हम? ये सब हमारे जीवन की रक्षा करती हैं और जो जीवन की रक्षा करे वही माँ है। हम गंगा को जमुना को माँ ऐसे नहीं कहते, अगर वाटर ना मिले तो क्या होगा, जी पाओगे? यमुना हमारे जीवन की जिंदगी की रक्षा करती है। तब अकबर ने हाथ जोड़े, भाई मान गए तुम्हारी माताओं को, बहुत तुम्हारी माँ हमारे सबके लिए लाभदायक है। सभी भारतीयों से निवेदन करूंगा अपने कल्चर अपने धर्म को पहचानो, वरना इतिहास तुम्हारी पहचान भूल जाएगा। जो संस्कार भूल जाए, जो सभ्यताएं भूल जाए, जो अपने इतिहास को ठुकरा देते हैं, लोग उन्हें याद नहीं रखते हैं। इसलिए अभी भी समय है, जागो हे हिंदू माओं की औलादो,
जागृत हो और जागृत होकर पुनः एक संस्कारी युवा बनकर अपने देश को आगे लेकर चलो, जिससे पूरी दुनिया हमारे देश का मान सम्मान ही नहीं बल्कि विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करे। ये तभी होगा जब हम अपने संस्कारों का सम्मान करेंगे। बोलो राधे राधे। उग्रसेन जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बहुत धर्मात्मा राजा, लेकिन समय से किसी का पार नहीं चलता है। उन्हीं का बेटा है कंस और वो कंस बहुत पापी। ताको सुवन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो जग संतापी। असुर बुद्धि, याद रखिए जितने भी माए बैठी हैं ध्यान से सुनिए, दो ही प्रकार के लोग हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यहां कौन सी मां है जो बुरा बेटा चाहती है? हाथ उठाओ जो बुरा बेटा चाहते। अच्छा बेटा कौन कौन चाहते? अच्छा बेटा कौन कौन चाहते हाथ उठाओ। अच्छा बेटा नहीं चाहते हाथ ऊपर करो। कौन कौन मेरे कहने से वोट देगा अगले इलेक्शन में 19 में? ठीक है, अगली बार लखनऊ से चुनाव लड़ लेता हूं। अरे किस किस ने हाथ उठाए हमने देखा नहीं। अरे बाप रे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं बनवाएंगे सड़क तो क्या हुआ, कथा तो सुनाते रहेंगे साल में 2-4 बार। हाँ पंडाल फिक्स करवा देंगे लखनऊ में, हर जगह पे पंडाल लगा दो, एक इस कोने पे एक उस कोने पे। क्या है बोले, सांसद कोई काम नहीं करता है, सिर्फ कथा सुनाता रहता है। किस किस को मंजूर होगा ऐसा नेता? क्या बात। पर मुझे जो ठाकुर जी ने काम दिया वो कितना प्यारा है ना। मुझे भी पता है तुम यही ताली बजा रहे हो, घर जाते देखा अब तो पंडित जी भी नेता बनना चाह रहा है। एक सेकंड में बदल जाओगे। कौन कौन बदलेगा यहां से जाके? कोई नहीं बदलेगा। अच्छा मैं मतलब मैं तैयारी करूं? नहीं, धर्मात्मा व्यक्ति को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। मन से लगे रहे यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जागृत सिर्फ इतना हो जाइए कि जाति के नाम पर वोट डालना बंद कर दीजिए, एक अपने देश के नाम पर, प्रदेश के नाम पर वोट डालना शुरू कर दीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और हाँ, जो पी के देने वाले हैं ना, जो पीते हैं फिर देते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को उसी नशेबाज की तरह बनाते हो जब आप पीकर वोट डालने जाते हो। अपने बच्चों के भविष्य को लंगड़ा लूला मत बनाओ। आपका मत है, संविधान ने अधिकार दिया है, ईमानदारी से चलो। खैर अभी इलेक्शन बहुत दूर है, पर 19 की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। नहीं राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कंस बहुत पापी है, वो प्रसन्न नहीं होता है। यज्ञ होम तप व्रत कहीं हो रहे होते हैं, उसे तकलीफ होती है। वो कहते हैं यज्ञ क्यों करते हो, ये इतना सामग्री तुम लोग हवन में जला देते हो, इतना घी तुम हवन में जला देते हो, इसी को अगर तुम मेरे योद्धाओं को खिलाओ तो युद्ध में काम आएंगे। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो यही थॉट देते हैं, यही थिंकिंग देते हैं। बेटर रहेंगे अभी, आना जाना नहीं करें। ये देखिए, तो एक दिन की बात है, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था कंस। उसी समय मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन के विवाह में तुम इतने प्रसन्न हो, अहंकार के साथ तुम ये सब प्रदर्शन कर रहे हो, इसी बहन का तुम्हारा 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तुम्हारी बहन का पुत्र 8वां तुम्हारा काल होगा। अब तो कंस ने सोचा, ये क्या, मेरी बहन का पुत्र मेरा ही काल होगा? तुरंत भूल गया कि मेरी चचेरी बहन है। हाथ में खड्ग निकाली, देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया।
और जैसे रथ से नीचे उतारा, देवकी ने पूछा मेरा अपराध? बोले कुछ नहीं। मेरा कोई दोष? बोले कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? बोले तुमने सुना नहीं, तुम्हारी कोख से जो आठवीं संतान जन्म लेकर आएगी वो मेरी काल होगी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बोले नहीं, जब तू ही नहीं होगी तो तेरी संतान कहां से होगी, मैं तुझे ही मार दूंगा। खड़ग लेकर मारने लगे। जैसे ही मारने लगे वसुदेव जी ने रोका, इसलांगणी गुणासुर भवान भोज सस्कर सकदम भगनी हन्या तिस्त्री मुदवाह पर्वणि। कैसे योद्धा हो तुम, एक स्त्री पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो योद्धा नहीं, वो बलवान नहीं जो स्त्री पर शस्त्र उठाए। याद रखे जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे, भाई लोग, जो लोग अपने घर की लक्ष्मी पर हाथ उठाते हैं उन घरों से लक्ष्मी चली जाती है। बहुत से घरों में सिर्फ दहेज के लालची लोग बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं, उन्हें मार देते हैं, उन्हें घर छोड़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे दूसरे की बेटी है ना, वो हमारी बेटी है। अगर आप दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझोगे, आज इतनी तकलीफ होती है, अच्छे घरों की संस्कारी बहन बेटियां किसी धनवान के घर में नहीं जा सकती बहू बनकर। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप पे उतना पैसा नहीं है दहेज में देने के लिए। वैसे तो हम कहते हैं हम धार्मिक है, वैसे तो हम कहते हैं हम समाज सुधारक है, वैसे तो हम लोग जाते हैं गरीबों का विवाह करते, सामूहिक विवाह करते हैं। सामूहिक विवाह करने से बेटर है कि अमीर लोग इस बात को सोचे कि मेरे घर की बहू एक गरीब घर की बेटी बनेगी, जो संस्कारी होगी, जो भजनानंदी होगी, जो भगवान का भजन करती होगी। गरीबों की शादी 10-20 लाख रुपए में करवा देते हो और समाज में होल्डिंग लगवा देते हो, अपना नाम कमाते हो, उससे बेटर है कि एक गरीब की बेटी को अपने घर में चैन की जिंदगी जीने का सौभाग्य दो। भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया, भगवान ने आपको समर्थ बनाया, तो ये उपयोग कीजिए। किसी की बहन बेटी को तकलीफ मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। ये मेरा निवेदन है आप सबसे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस जगह पर लक्ष्मी देवियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां पर देवता लोग वास करते, देवता रमण करते हैं। तो देवियों का अपमान नहीं, स्त्रियों का अपमान नहीं, सम्मान होना चाहिए। लेकिन माओ से एक बात और कहूंगा, अपनी बेटी को बेटी बनाकर मत पालना, अपनी बेटी को बहू बनाकर पालना। जैसी तुम बहू चाहते हो वैसे गुण बेटी में देना। आजकल मम्मी बड़ी जल्दी कहती थी, क्यों मेरी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता, पढ़ी लिख गई है ना, तो क्या होगा, भोजन बनाना भी सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, कोई बात नहीं, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब आगे पढ़ाओ इसको, लेकिन भोजन बनाना उसको आना चाहिए, क्योंकि घर की अन्नपूर्णा ये है, लक्ष्मी है ये। हर भारतीय मां से निवेदन करूंगा, अपनी बेटी को बेटी नहीं बहू बनाकर पालो, उसे वो संस्कार दो। और अगर बहू बनाकर पालोगे तो ये मेरा वादा है आपसे, आपकी बेटी कभी परेशान नहीं होगी ससुराल जाकर। कितनी मम्मियों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटियों के घर बर्बाद कर दिए। सन्नाटा हो गया पंडाल में, टेंशन हो गई, जी क्या कह रहे हैं महाराज। बेटी के घर को बिगाड़ने में मम्मी का हाथ होता है बहुत बड़ा, और वो मम्मी जो खुद संस्कारी नहीं है। जय कैसे रह सकता है महाराज। इसलिए हो सकता है जब बेटी की सिफारिश आप छोटी छोटी बातों पे भी लेती हो ना, लड़ने पहुंच जाती हो ना, बेटी को सहना सिखाओ, बेटे को सहना सिखाओ। जो सह सकता है वही फैमिली में रह सकता है, जो सह नहीं सकता। अच्छा साहब, ऐसा होता है कि कभी घर में कुछ अनबन न हो, कभी लेट आएंगे, कभी जल्दी आएंगे, कभी रोटी, कभी नमक, कभी मिर्च, कभी हल्दी, कभी धनिया, कभी कोई प्रॉब्लम तो होगी, होगी तो नेकाद कहा सुनी भी होगी, और झट तुम मिला के मम्मी आज मुझको इन्होंने ऐसा कहा, तो तूने सुन लिया,
चलिया तू मेरे यहां चलिया, मैं देखूंगी इसको। उस दिन तो बड़ा कह रहा तो मैं पूरी देखभाल करूंगा, फेरों को भूल गया। ले तेरा भगवान भला करे, सिर्फ नमक और हल्दी के चक्कर में फेरे याद आ गए। ये काम किसने गड़बड़ किया? मम्मी ने।